हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सुमित DIY बुटीक। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे हम मफलर या स्कार्फ से जैकेट या कोई टॉप बना सकते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी स्कार्फ ले लीजिए। स्कार्फ की कोई भी लेंथ चलेगी। स्कार्फ की लेंथ के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आपका टॉप बनेगा या जैकेट बनेगी। अब आप कोई सा भी एक स्कार्फ ले लीजिए और इसकी स्ट्रेचेबिलिटी चेक कर लीजिए। अगर उसमें स्ट्रेचेबिलिटी है तो आपका कोई भी आप उसको टॉप या जैकेट में उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। आप उसको लेंथ वाइज फोल्ड कर लीजिए और अपनी रिस्ट की मेजरमेंट चेक कर लीजिए कि आपकी रिस्ट की मेजरमेंट कितनी है। मेरी रिस्ट की मेजरमेंट 8 inches आ रही है, तो मैं इसको हाफ करके 4 में कन्वर्ट कर देती हूँ और फिर स्लीव्स की लेंथ मेजर करके आगे रिस्ट के मार्क से मार्क करके रिस्ट तक हम उसको मार्क कर देंगे और हम इसको स्टिच कर देंगे। ऐसे ही हम स्कार्फ के नेक्स्ट एंड पे भी करेंगे। ये हमारी स्लीव्स बनेंगी दोनों। हमारे स्कार्फ की लेंथ चाहे कितनी भी हो, हमारा एंड्स का ऑल्टरेशन यही रहेगा। इस स्कार्फ की लेंथ अराउंड 50 inches है, तो इसकी हमने सिर्फ जैकेट बनाई है। का है, तो हमने जो ऑल्ट्रेशन किया था इसमें वो तो हमारा वही रहेगा, लेकिन हमने इसमें ड्रेप चेंज कर दिया है। इस लेंथ के स्कार्फ को हम कई तरीके से पहन सकते हैं। मैंने इसमें आपको 2 ways दिखाए हैं इसको पहनने के। एक वे तो ये है, और इसको हम उल्टा भी करके पहन सकते हैं। जैसे जो मेरा फ्रंट है, मैं इसको बैक कर देती हूँ। मीटर्स लंबा है। इसको हमने ऑल्टर करके स्वेटर स्कार्फ में कन्वर्ट कर दिया है। इस स्वेटर स्कार्फ को हम डिफरेंट वे से पहन सकते हैं। एक वे मैं आपको दिखा रही हूँ।